हाय गाइस, आज आपसे बात करने वाला हूँ स्लैब के क्यूरिंग प्रोसीजर के बारे में। हमारे पास जो मेथड्स हैं, जैसे हम हैंसन क्लॉथ के थ्रू क्यूरिंग करते हैं और वाटर स्प्रेइंग के थ्रू क्यूरिंग करते हैं, और एक तरीका जो होता है वो पॉन्डिंग के थ्रू भी हम जो है स्लैब की क्यूरिंग करते हैं। तो ये दिख रहा होगा आपको जिस तरह ये आउटर पोर्शन के अंदर हम लोग ने एक बाउंड्री क्रिएट की है, इस प्रोसीजर को जो है हम लोग पॉन्डिंग प्रोसेस कहते हैं क्यूरिंग का। बेसिकली इसका जो है मटेरियल वो हम 1:5 का रेशियो में इसने हमने ये बनाया है, मतलब एक बैग सीमेंट में 5 बैग जो है वो सैंड हमने मिक्स करके ये बनाया है। आप 1:3 या 1:4 के हिसाब से भी बना सकते हैं। इससे क्या होगा कि जब भी आप स्लैब के ऊपर पानी भरेंगे तो वो पानी जो है आपको लेबर को बार बार जो है उस स्लैब की क्यूरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आपको पानी भरने के बाद जो है, अगर आप सुबह 10 बजे पानी भर रहे हैं तो धूप की वजह से काफ़ी आपको दोबारा शाम में क्यूरिंग की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो मैन पावर आप जो है दूसरी जगह यूज़ कर सकते हैं। ये एक फ़ायदा है हमारे पॉन्डिंग प्रोसेस का। पॉन्डिंग प्रोसेस से जो है क्यूरिंग जो है काफ़ी अच्छी तरीके से होती है, क्योंकि हम आपको भी बार बार ध्यान देने की ज़रूरत नहीं रहता है कि क्यूरिंग हो रहा है नहीं हो रहा है। अब जब इसका पॉन्डिंग पीरियड जो है वो आपको 10 दिन, बहुत सारे लोग इसका स्लैब का क्यूरिंग पीरियड 10 डेज के हिसाब से इसमें पॉन्डिंग करते हैं, बहुत सारे लोग 7 डेज के हिसाब से करते हैं। जब आपका ऐसा सेटिस्फेक्शन हो जाए कि वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी जो है कंक्रीट की वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, अब इसको पानी की ज़रूरत नहीं है, तो आप इसको पॉन्डिंग ख़त्म कर सकते हैं। वैसे जो है जब तक, जैसे आपने पानी भरा और आधे घंटे में पहले दिन में पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा स्लैब में, उसके बाद 1 घंटे में, 2 घंटे में, 4 घंटे में, 5 घंटे में, जैसे जैसे वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कंक्रीट का बढ़ते जाएगा, समझ लीजिए आप उसके क्यूरिंग पीरियड के काफ़ी करीब होते जा रहे हैं। तो ये हिसाब से आपको चेक करना है कि अभी हम लोगों को कितने दिन पॉन्डिंग रखना है, कितने इतने दिन के बाद पॉन्डिंग को जो है वो ब्रेक करना है। सो ये जो है क्यूरिंग जो है कॉन्क्रीट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आई होप आप लोगों को क्यूरिंग और पॉन्डिंग के बारे में इस वीडियो के थ्रू काफ़ी समझ में आया होगा, और आपको ये वीडियो जो है काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल्स पर बहुत सारी वीडियोस हैं, वो वीडियोस को भी देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को ग्रोथ करें।